गोरखपुर सदर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला का चुनाव प्रचार करने गोरखपुर पहुंची उनकी धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला का महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मोहद्दीपुर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। इसमें मुख्य रूप से महिला आयोग की अध्यक्ष अंजू चौधरी, महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विद्यावती भारती, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, क्षेत्रीय महामंत्री अर्चना सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता गुप्ता, स्मिता चंद, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रंजना गुप्ता, महानगर अध्यक्ष नेहा चौधरी, जिला अध्यक्ष उर्मिला त्रिपाठी सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी आदरणीय रवि किशन जी की धर्मपत्नी प्रीति शुक्ला जी आज हम लोगों की परिचयात्मक बैठक के साथ, हम लोगों ने उनके साथ जनसंपर्क किया। सारी महिला मोर्चा की बहनें थी इसमें। मोहद्दीपुर हम लोगों ने मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेका और आसपास क्षेत्रों में हम लोगों ने जनसंपर्क किया। खुशी की बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जितना कर दिया हम महिलाओं के लिए वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य में कहीं विघ्न पड़े, इसलिए पूरी तरह से महिलाएं खुद आगे बढ़ के इस प्रचार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। और आम जनमानस आज ये मान के चल रहा है कि गोरखपुर से ऐतिहासिक जीत होने वाली है, उसका ही हम लोगों ने पूरी तरह से, आम जनमानस जब कहने लगे कि जीत निश्चित है, ऐतिहासिक जीत निश्चित है, तो हम लोग तो वैसे ही मान के चल रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत है। मैं आपको भी ढेर सारी इसके लिए शुभकामनाएं बधाई देती हूं, और क्योंकि आप हम लोगों के हर एक कार्य को आम जनमानस तक पहुंचाते हैं, आपके चैनल को काफ़ी हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। भागीदारी में आदि आबादी का काफ़ी मात्रा था, आबादी कितना संपर्क कर रही है? देखिए, आधी आबादी क्या घर के अंदर, मैंने पहले ही कहा है कि आधी आबादी क्या महिलाएं, तो हम तो चाहते हैं, यही कहते हैं कि संपूर्ण आबादी महिलाओं के कारण ही है, माता के रूप में, बहन के रूप में। आज माँ है तभी तो उनका बच्चा है, जो पुत्र रूप में पिता भी बनता है, तो हम तो इसको पूर्ण भागीदारी मानते हैं। और महिलाएं आधी नहीं, पूर्ण भागीदारी के साथ इस जीत में सबका विकास सबका साथ के साथ चल रही हैं, और सबका साथ सबका विकास हुआ है इन 5 वर्षों में। आगे इस विकास में कहीं अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार 400 पार, और उसमें अग्रणी भूमिका हम बहनें उसको पूर्णता के साथ लगेंगे।